हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के व्लॉग च मैं करांगी 7 डेज रॉप चैलेंज। सो दिस इज़ माय करंटली वेट जो सीगा मेरा डे सेवन वर्कआउट पहले 64.15 सीगा। सो यह सीगा मेरा डे वन जो कि इतने मैं टाइम सेट कर रही थी अपना कैलोरीज किन्नी बर्न करांगी एंड किन्ने होंगे। मैं बैकवर्ड साइड स्किपिंग कर दी है ज़्यादा, मैनू ईजी लगती है नाले सही हो जाती है मेरे को। हम इतने मैं स्किपिंग कर रही हूँ, लाइक मैं पहले भी स्किपिंग करती रहनी हूँ। सो मेरे लैग्स च क्रैम्प्स नहीं पे थे। अगर तुम लाइक फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो आई थिंक 500-600 करो फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्रैम्प्स नहीं आन लैग्स च, या तो थोड़ा जहा रनिंग करके फिर स्किपिंग करो फिर क्रैम्प्स नहीं आते क्योंकि एक वार्म अप हो जाता है। सो इतने मेरा इदा भी रहेगा कि 7 डे चैलेंज भी है एंड तुम लाइक एक दिन च 1000 तो स्टार्ट करो फिर एवरी डे थोड़े थोड़े उन्होंने इनक्रीज करते रहो। बट मैं 15 मिनट्स कर दी हूँ स्किपिंग एवरी डे। सो आई थिंक मेरे 1000 तो ज़्यादा ही होंगे नहीं क्योंकि मैं कभी काउंट नहीं किते, काउंट कर नहीं सकते इस करके, ता करके मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की बैक वॉइस दे रही हूँ ताई करके, क्योंकि उदू जो तुम एक्सरसाइज करते हो नहीं बोलिया जाता। अगर तुम बोलोगे एक्सरसाइज करोगे तो मेरे को नहीं होंगे, आई डोंट नो अबाउट अदरस। सो इट्स नॉट ईजी कि तुम स्किपिंग भी करो एक्सरसाइज भी करो एंड नाल गल भी करो। सो ता करके मैं बैक वॉइस दे रही हूँ। सो आई थिंक फर्स्ट डे मैं 15 हले मैं थोड़ा जहा स्पीड नू तेज किया होया, इन्नी तेज भी नहीं लग रही है वैसे, इतने तो ठीक ही है नॉर्मल ही है। अगे अगे वाली वीडियोस में थोड़ी नॉर्म स्पीड बताई हुई है क्योंकि नहीं होंदा है लाइक वीडियो बहुत लंबी हो जानी सी, सो इन्नी ज़्यादा लंबी नहीं सही रही।
है. सो इट्स अ डे टू टूडे. मैं तो मेरी रस्सी पता नहीं किन्नी उजा दी थी, बड़ी मुश्किल खोली सी. एक मैं बड़ी आदत है सवेरे सवेरे उठ के वेट चेक करन दी, ते फिर मतलब मैं बड़ा अजीब जहा लग्या 7 दिन च, क्योंकि मैं रोज़ उठते ही वेट चेक नहीं किया. लाइक डे 1 तो बाद मैं सीधा डे 7 वर्कआउट तो बाद उदू ही चेक किया वेट. तो मतलब और इदा नहीं हों कि तुम सोचोगे कि मैं बिच रुकती नहीं हाँ या लगातार, और इदा नहीं है. काफ़ी टाइम आपदा होंगे कि रस्सी अड़ जाती है, थोड़ी लैग्स समॉल लैग्स होंदिया ने वो लाइक बहुत ज़्यादा एकदम वो हो जाए ने. सो और इदा होंगे कई दिन लाइक थोड़ी एनर्जी बहुत हाई होंगी है, कई दिन एनर्जी बहुत लो होंगी है. जिस दिन एनर्जी बहुत हाई होंगी उस दिन तो मैं 20-25 मिनट्स भी स्किपिंग कर लेंदी हाँ. बट ए नहीं है कि लाइक लगातार मैं स्किपिंग कर रही हूँ, बिच मैं रुक के थोड़ी जी दूसरी एक्सरसाइज, फिर स्किपिंग, फिर लाइक दूसरी नॉन लैग्स की एक्सरसाइज. बट इतने है वाले 7 डेज़ तो सिर्फ मैं स्किपिंग ही की है, क्योंकि इट्स अ लाइक चैलेंज सेगा. सो आई जस्ट ऑल आई मेरा सारा फोकस मेरी स्किपिंग ही सेगा. सो यह सेगा मेरा डे 2 जिहड़ा कि बड़े तेज़ तेज मैं स्किपिंग कर रही हूँ. यदि मैं स्पीड वधाई हुई है, जो मैं पहले भी दस्या, अगर मैं नहीं स्पीड वधावगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुसी भी बोर हो जाओगे. बट आई थिंक इन्ना सैटिस्फैक्शन जी मिलती इदा देख के फटाफट स्किपिंग और तुसी एकदम पतले हो जाओ. और तो तुम लास्ट पता लगेगा, पूरी वीडियो देखनी पेगी मैं कितनी पतली हुई है कितनी नहीं. सो डे 2 की स्किपिंग खत्म होती है इतने. मेरा बहुत रिफ्रैश बहुत एनर्जी सी डे 2 मेरे लिए. सो टूडे इज अ डे 3. आज का दिन भी काफ़ी एनर्जेटिक सेगा, मैं बहुत वधिया तरह स्किपिंग की सी इस दिन. आई थिंक मैं 26 या 27 मिनट्स की सी. यस एग्जैक्टली. तो बस फिर नाल मैं गाने सुनती रहनी हूँ, नाल स्किपिंग करती रहनी हूँ. लाइक मैं बहुत सैटिस्फाइंग लगता स्किपिंग करना. Thank you.
परसों के बाद में और डे सेवन चैलेंज रॉक चैलेंज में अपनी डाइट का अगर तुम पूछो तो डाइट मेरी लाइक इतना ही रही सी नॉर्मल जो मैं खाती हाँ है ना लाइक प्रॉपर थ्री मील्स मेरिया प्रॉपर जो होंगे पूरी सी अगर इस लाइक वीडियो तो बाद अगर थोड़ा पूरा प्रॉपर मील भी चाहिए होगा कि मैं की खाया इस 7 डे रॉक चैलेंज वो भी मैं कमेंट सैक्शन दसो तो मैं जरूर तुम्हें दसूँगी कि मैं खाया की नहीं सैटअप थोड़ा जहा चेंज हो गया है क्योंकि इतने बच्चों की आले दुआले साइकिल खिलर ही रही कभी कितने जाए कभी कितने सो बच्चों का घर इन्नी की सफाई मिलेगी और इन्नी की तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी सो डोंट जज बस फिर उस तो स्किपिंग मैं कर रही हूँ डे 5th से मेरा सो टू डे इज़ अ डे 6 इस दिन मैं इन्नी मरमर के स्किपिंग की ना बिकॉज लाइक इन्नी ज़्यादा स्किपिंग मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं की लाइक 15 मिनट्स तक कर ही लेंदी सी मैं पहले बट 20 to 25 मिनट्स भी मैं की है डे 2 and डे 3 तो जो कि मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो गया सी उस तो बाद मेरी लैग्स भी क्रैम्स आ गए सी सो सवेरे उठ के फिर दोबारा इन्नी स्किपिंग करना मेरे लिए बहुत टफ हो गया सी डे 6 मैं बहुत मुश्किल रो रो के ही की है कि हूँ 7th डे चलो कल एक ही दिन रह गया सो आई हैव टू डू दिस फॉर यू गाइज सो खुल के प्यार दो इस वीडियो नूं एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल में एंड कमेंट च दसो अगर तुम्हें होर भी वर्कआउट वीडियोज़ चाहिए हुई तो लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन तो मैं जरूर होर भी वीडियोज़ लेके आऊँगी सो फाइनली इट्स अ डे 7 बड़ी वेट की मैं अपना वेट चैक करने थोड़े ना ना मैं भी बहुत एक्साइटेड अपना वेट चैक करने लगी कि लाइक रिड्यूस होया है बट एक्चुअली मैं सच्ची गल दसा तो काफ़ी फर्क पिया मेरी इंचिस नू तो मैं खुद में ही बहुत फर्क दिख रहा है बाकी लैट से ही कि फर्क होएगा जो मैं अपना वेट चैक करांगी तुम सारों याद होएगा 64.15 वेट से मेरा सो ए डे 7 है अच्छ तो अज हूँ आप वर्कआउट तो बाद मैं अपना वेट चैक करा कि होंगे है बाकी मेरी टमी एरिया तो काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी
लाइक होया इंचिस कट होए ने। सो एवरी डे 7 में बड़ी मुश्किल वर्कआउट किया सी बट एक्साइटमेंट हो गया। बट नहीं तो 6-7 डे मेरे बहुत बुरे गए थे क्योंकि मैं लाइक 2nd, 3rd, 4th डे पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेता सी। 20-25 मिनट्स पर स्किपिंग लगातार की सिर्फ 2-2 सेकेंड की ब्रेक लैके 2-2 सेकेंड या 3-3 सेकेंड का ब्रेक लैके ऑलमोस्ट मैं 20-25 मिनट किया। सो लास्ट डे टाइम आ गया है कि मैं खत्म हो पहले मेरा लाइक शेयर अपडेट कर दो चैनल सब्सक्राइब।